नमस्कार, जेके अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय कुमार। तो ये नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। विधानसभा में जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित, इसके विरोध में भाजपा नेताओं ने किया प्रदर्शन। भाजपा विधायकों ने उक्त प्रस्ताव को राष्ट्र विरोधी एजेंडा करार दिया। विशेष दर्जे की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित होने पर सदन में हंगामा। भाजपा नेताओं ने कहा, ऐसे प्रस्ताव पारित करना जनता के साथ धोखा। उन्होंने 5 अगस्त 2019 को लिए गए फैसले के समर्थन में भी की नारेबाजी। विशेष दर्जे के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दी प्रतिक्रिया, बोले विधानसभा ने अपना काम कर दिया है। इस प्रस्ताव को विधानसभा में डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने किया था पेश। विधानसभा में विशेष दर्जे पर प्रस्ताव लाने पर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कहा, दिल्ली को उनके वादों की याद दिलाना चाहते हैं। बोले, हमने वही किया जो जम्मू कश्मीर के लोग और युवा चाहते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा की कार्यवाही वीरवार तक स्थगित। विशेष दर्जे वाला प्रस्ताव पारित होने पर भाजपा विधायकों ने किया था हंगामा। उन्होंने स्पीकर पर भी लगाए थे गंभीर आरोप। शिक्षा मंत्री स्किना इटू ने भाजपा विधायकों के प्रदर्शन करने के तरीके की आलोचना की। बोली, विधानसभा में टेबल पर चढ़कर नारेबाजी करना गलत, विरोध करने के साथ उन्हें नियमों का भी पालन करना चाहिए। भाजपा नेताओं ने विधानसभा में धारा 370 संबंधित प्रस्ताव पारित होने पर किया जोरदार प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने सरकार का पुतला जलाकर गुस्सा किया जाहिर। बोले, केंद्र में भाजपा सरकार होने तक धारा 370 कभी बहाल नहीं होगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा दिवंगत भाजपा नेता देवेंद्र सिंह राणा के घर पहुंचे। सिन्हा ने राणा की मौत पर शोक संवेदना व्यक्त की, साथ ही इस दुख की कड़ी में परिवार को हौसला प्रदान करने की भी प्रार्थना की। कुपवाड़ा के लोला में जारी मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर। मुठभेड़ स्थल पर गोलीबारी जारी। इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान शुरू हुई थी मुठभेड़। बांडीपुरा में जारी मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। फायरिंग के दौरान 2 सुरक्षाकर्मी घायल। दोनों घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा। पुलिस ने बारामूला में 4 ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार। उनके कब्जे से नशीले पदार्थ भी बरामद। थाना मंडी में ट्रैक्टर हादसे में एक युवक की मौत। मृतक युवक की पहचान शोएब खान के रूप में हुई। कानूनी औपचारिकताओं के बाद शव परिवार को सौंपा गया। जम्मू श्रीनगर हाईवे बुधवार को दोनों तरफ से खुला। दोनों तरफ से छोटे और बड़े वाहनों को चलने की परमिशन। हाईवे पर कुछ एक स्थानों पर मामूली जाम भी लग रहा। मैटरनिटी हॉस्पिटल गांधीनगर जीएमसी जम्मू में पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन। प्रतिभागियों ने पेंटिंग के जरिए अपनी कला का किया प्रदर्शन। पोस्टर मेकिंग के जरिए लोगों को स्वच्छता के प्रति किया जागरूक। जम्मू कश्मीर पुलिस ने नरवाल से 2 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार। उनकी पहचान मंसूर अहमद और हरून अंजुम के रूप में हुई। उनके कब्जे से 8 ग्राम हेरोइन भी बरामद हुई। फिलहाल टॉप हेडलाइंस में बस इतना ही। देखते रहिए जेके अपडेट। नमस्कार। जम्मू कश्मीर में अब आ गई है सबसे पावरफुल बुल मशीन, जो दिखाती है किसी भी मशीन से अधिक दम। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, काम बुलडोजर मशीन करती है उसे आसान। बुलडोजर मशीन डीजल भी कम खाती है और 1 घंटे में बचाती है अन्य लोडर के मुकाबले 1 लीटर डीजल। यानी डबल फायदा, काम ज्यादा और खपत कम। जम्मू में बुलडोजर मशीनें कई वर्जन में उपलब्ध हैं। बुल स्किड AV450 फ्रंट एंड लोडर, HD100, HD96 और HD76 लोडर, जिनमें है 40 इंटरचेंजेबल अटैचमेंट्स, जिससे ये सभी लोडर पड़े दूसरे लोडरों पर भारी। अगर आप भी लोडर लेने का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, आज ही आएं। हमारा पता है चौधरी मोटर्स, नियर पेट्रोल पंप, सरोर अड्डा, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 9697652836, 9419199119। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।